आपको बता दें, मेमन समाज के सभी लोग एकजुट होकर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के साथ मिलकर इकबाल मेमन के नेतृत्व में कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें, देश में कोई भी मुसीबत हो या कोई भी सामाजिक कार्य हो जिसके लिए मेमन समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। मेमन समाज के इसी दरियादिली की वजह से लोग इकबाल मेमन जी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपको बता दें, हर साल 11 अप्रैल को मेमन डे मनाया जाता है, जिसमें मेमन डे के उपलक्ष्य में कई सामाजिक कार्य किए जाते हैं, जिससे समाज में सभी गरीब लोगों को इसका फायदा हो सके। इस साल में मेमन डे के शुभ अवसर पर सभी मुस्लिम बंधुओं के लिए रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। साथ ही कई गरीब लोगों को राशन किट व अनाथ बच्चों को कपड़े व अन्य सामाजिक कार्य और लोगों की मदद की गई। इस अवसर पर इकबाल मेमन जी ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड मेमन डे की मुबारकबाद न सिर्फ मेमन बरादरी, नॉन मेमन बरादरी और नॉन मुस्लिम बरादरी को मैं देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा मकसद मेमन का है, जोड़ का मकसद है। और हमने, हमारी जमात हो या हमारी तंजीमें हो, ये हमारे बुजुर्गों ने जोड़ सिखाया है हमको। हम 11 अप्रैल से ये सिलसिला मेमन डे का पिछले 5 साल से ये चल रहा है, और हिंदुस्तान में सबसे पहले शुरुआत चंद जमातों ने इसकी शुरुआत की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस ये कंसेप्ट लोगों को, जमातों को इतना पसंद आया, क्योंकि ये इसलिए पसंद आया कि मेमन बरादरी के अंदर, खून के अंदर खिदमत का जज्बा है। उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और पूरे हिंदुस्तान के 500 जमात इसको अपना ली, और उसके बाद ये दायरा जो है ये हिंदुस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके जहाँ जहाँ हमारी मेमन बरादरी पूरी दुनिया में बस रही है, पूरी दुनिया के अंदर हमारे 52 एम्बेसडर्स हमारे हैं जो वो मेमन डे वहाँ पर मनाते हैं। जापान में हमारे 2 एम्बेसडर हैं, श्रीलंका में हमारे 3-4 हैं, बर्मा में हमारे हैं, यूके में है, यूएई में है, अमेरिका में है, साउथ अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका के लगभग हर कंट्री के अंदर हमारे नुमाइंदे, जो एम्बेसडर जिसको बोलते हैं, वो मौजूद हैं, और वो तमाम मेमन बरादरी को वहाँ पर इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं मेमन डे के दिन 11 अप्रैल को, और ये सेलिब्रेट करते हैं। इस बार मेमन डे जो है पहली बार रमज़ान में आया, तो हमारे एम्बेसडर के दिल में ये ख्याल आया कि भाई हम इतनी आज़ादी से इसको कर नहीं पाएंगे, तो हमने उनको मशवरा दिया कि आप इसको रमज़ान के तरीके से आप इसको कीजिए। तो उन्होंने इफ्तारी के प्रोग्राम किए, सहरी के प्रोग्राम किए, गरीबों को अनाज देने का प्रोग्राम किया, ईद की किट्स देने का, ड्राई फ्रूट देने का काम किया, यतीम बच्चों को कपड़ा देने का काम किया। ये पूरी हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में इस तरह ये मेमन डे का काम जो है, अल्हम्दुलिल्लाह नेकी का काम जो है, पूरी दुनिया के अंदर ये फैला हुआ है और खूब तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, मनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ एम्बेसडर नहीं हैं वहाँ अब इंशाल्लाह रमज़ान के बाद एम्बेसडर वहाँ भी मुकर्रर किए जाएंगे, और वहाँ भी अगले साल इंशाल्लाह मेमन डे का दायरा जो है वो पूरी दुनिया में, जहाँ मेमन बसता है, चाहे 50 घर, 100 घर, 150 घर हो, वहाँ पर मेमन डे मनाया जाएगा। और हम चाहते हैं कि घर घर में मेमन डे मनाया जाए। देखिए, कोविड की वजह से पूरी दुनिया ठप हो गई थी, कारोबार बंद, हमारा हरम मक्का और मदीना सबसे बड़ा अफसोस की बात है कि कभी बंद नहीं हुआ, वो बंद था, दुकानें बंद, मस्जिदें बंद, मंदिरें बंद, मगर उसके बावजूद भी मेमन डे आया पिछले साल, तो हमने मेमन डे के अंदर भी ऑक्सीजन मशीन और ऑक्सीजन के सिलेंडर हम लोगों ने बांटे। आपकी धारावी में और आपके चेंबूर इलाके में हमने रिक्शे के अंदर ऑक्सीजन मशीन फिट किया, और वो ऑक्सीजन मशीन मरीजों को ऑक्सीजन लगा करके उनको हॉस्पिटल पहुंचाती थी। ये काम हमने मेमन डे के दिन भी किया था। मेमन डे के दिन अनाज बांटना, जो कारोबारी बेचारे, जो गरीब छोटे छोटे रोज के कमाने वाले और रोज के खाने वाले थे, उनको हमने पूरे हिंदुस्तान में लगभग 3,000 किट, इसमें 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूं, शक्कर, आटा, हर चीज़ डाल करके वो किट हमने
मेमन डे के दिन हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमने बांटी, ताकि वो गरीब जो है जो रोज का कमाता है और रोज का खाता है उसको ये एहसास नहीं होगा हमारा कोई नहीं है। उसको लगा उस दिन कि मेमन बरादरी एक ऐसी बरादरी है, मेमन डे एक ऐसा दिन है कि हमको हमारे भूखे घर के अंदर चूल्हा उसने जलाया। मेरा अपील है, देखिए हिंदुस्तान के जैसा कोई बेहतरीन मुल्क नहीं है। हिंदुस्तान के अमन व अमान के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए और एकता और भाईचारा हमें बना करके रखना चाहिए हर हाल में। एकता और भाईचारा, कुछ ताकतें ऐसी हैं कि जो कुछ जो है मुसलमान के अंदर भी है, कुछ नॉन मुस्लिम के अंदर भी ऐसी ताकतें हैं, मगर उनको उन ताकतों का हम चलने नहीं देंगे। 97% जो है ना वो अच्छे लोग हैं। इंशाल्लाह ये माहौल जो है आस्ते आस्ते जो है लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारी मुस्लिम बरादरी में मेमन बरादरी में बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। ये लोग ये हंगामों को पसंद नहीं करते हैं और ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान तरक्की करे, और हिंदुस्तान तभी तरक्की कर सकेगा जब शांति और अमन का गहवारा हिंदुस्तान बनेगा और शांत रहेगा। किसी ने, हमारे अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छी बात कही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी या गुलिस्तान हमारा, इतना बेहतरीन हिंदुस्तान है, इसको हम इसकी एकता और अखंडता को हम बर्बाद न करें, आपसी भाईचारा हम बरकरार रखें। क्या करना चाहिए? मैं तो सबसे पहले मुबारकबादियां देना चाहूँगा और उन तमाम लोगों को मुबारकबादियां देना चाहूँगा जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह करके एक दूसरे के तहीं मोहब्बत, प्यार, खलूस, अपनायत, गरीबों के तहीं, मस्कीनों के तहीं, पुरसान हालों के तहीं, जो दुनिया जहान में जैसे भी गरीब लोग बसते हैं, मेमन उनको अपने गले लगा कर ये कहता है कि ना घबराओ, हम तुम्हारे साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, कल भी खड़े रहेंगे। तो मेमन डे ये मैसेज देता है पूरी दुनिया के लोगों को, घबराना नहीं, जब तक हो सकेगा, जहाँ तक हो सकेगा, मेमन बरादरी के लोग तमाम लोगों को मिला करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिला करके एकता और अखंडता का पैगाम लेकर के दुनिया के सामने हैं, और हम तुम्हारे साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और कल भी खड़े रहेंगे। ज़रूरतमंद की बदल मेमन। मैं पिछले 20 सालों से इस कम्युनिटी के साथ और ख़ास करके इकबाल भाई के साथ जुड़ा हूँ, और जब बहुत छोटे पैमाने पे स्टार्ट हुआ था जब से, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने इसको पहुँचाया, और मेमन डे पिछले 5 साल में उन्होंने इसको बना कर ये दिखाया कि दुनिया में अलग अलग जो जो कौमें अपनी नेशनल डे मनाती हैं अपनी कम्युनिटी का, अपने सिख का, बिल्कुल उसी टक्कर में, लेकिन इन्होंने उसका रूपरेखा बदल दिया। लोग उस दिन इंजॉय करते हैं, लेकिन मेमन डे के दिन ये लोग लोगों की खिदमत करते हैं बड़े पैमाने पर। मेमन डे मनाने का मकसद ही यही था, मेमन डे मनाने का ही नहीं कि मेमनों के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है, वो मेमनों के बारे में साल के 12 महीना मालूम है। और दूसरी चीज़ है कि ऐसी कम्युनिटी है क्योंकि बिजनेस रिलेटेड है तो वो दिशा दशा बदलने का काम अपने आप कर लेती है। लेकिन मेमन डे मनाने से ये एक फ़ायदा हुआ कि उन्होंने अपने कम्युनिटी की ओर से जो लोगों की मदद करने का काम किया, चाहे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई की फ़ीस का मामला हो, हॉस्पिटल में हो, क्यों डिस्पेंसरी भी शुरू कर रखा है, अलग अलग जगहों पे उन्होंने अलग अलग चीज़ें शुरू कर रखी हैं, खुद की उन्होंने अपनी मैगज़ीन शुरू कर रखी है और अच्छे बड़े पैमाने पे पब्लिश होती है, और उससे लोगों को ये पता चलता है कि पूरे देश में क्या हो रहा है। लेकिन मेमन डे के दिन वो जो लोगों का दिल में है कि हम किसी को मदद करें, क्योंकि हमारे प्रॉफिट का भी यही था कि आप जो कुछ खुद के लिए करते हैं, समझो हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अपने लिए कर रहे हैं, इससे किसी और को फ़ायदा नहीं होने वाला, वो खुद के फ़ायदे के लिए है। लेकिन जो खिदमत खल्क का मामला है, जो हमारे प्रॉफिट की सुन्नतों में सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो यही है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, यानी मखलूक के लिए क्या कर रहे हैं, तो उसका काम मेमन डे के दिन इकबाल भाई और उनकी पूरी दुनिया में उनके जो 50-52 एम्बेसडर जो उन्होंने बनाए और उसका कंसेप्ट दिया है, ऐसा लगता है कि भाई एक एम्बेसडर तो वो खुद जो वहाँ काम कर रहा है वो खुद को बड़ा अपने आप को फील करता है कि मैं इंडिया के ओर से अमेरिका में एम्बेसडर हूँ, मैं इंडिया के ओर से साउथ अफ्रीका में एम्बेसडर हूँ। तो ये जो उसके मन में है, जब उससे मिलिए तो उसको लगता है कि साहब मैं ही सबसे बड़ा हूँ। तो ये जो उन्होंने कंसेप्ट दिया और लोगों में ये बात पहुंचाई, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, और इसी की वजह से आज भले रमज़ान का महीना हो लेकिन पूरे दुनिया में आज भी मेमन एक जब 3 दिन से पहले ही शुरू हो गया, अभी डेट आज की थी, 3 दिन पहले ही लोगों ने सामान बांटने का काम शुरू कर दिया, मेमन जमात के लोगों ने, और मेमन डे मनाना स्टार्ट कर दिया जिनको जब टाइम मिला। और इनके यहाँ एक सेक्टर जो है कैंसर के भी बड़ा काम कर रहा है,
मैं उसके लिए भी इनको मुबारकबाद देता हूँ और इनके तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मेमन जमात के लोगों में जो अल्लाह ने खिदमत करने का जज्बा दिया है, जिस तरह से और जो जकात का कंसेप्ट मैंने इनके यहाँ देखा, मैंने हिंदुस्तान की किसी और जमात में इतने बढ़िया तरीके से नहीं देखा। अल्लाह उसको कायम दायम रखे। शुक्रिया, जज़ाकल्ला। मैं सलीम अलवारे हूँ और कोकण कम्युनिटी फोरम का प्रेसिडेंट भी हूँ। हमारे साथी यहाँ बैठे हुए इमरान भाई एलवी, वो भी कोकण से आते हैं। हमारे और एक साथी यहाँ बैठे हुए कमाल मांडलेकर साहब और इकबाल भाई, जो है हमेशा तमाम इंटर कम्युनिटी का जो इनका रिलेशन है बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। और इंटर कम्युनिटी भी मतलब मुसलमानों में जो अलग अलग कम्युनिटीज़ है और इस देश में जो जो अलग अलग जो धर्म के लोग हैं उनसे सभी के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। आज वर्ल्ड मेमन डे है। खुशकिस्मती की बात है कि मैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितने भी इनके मेमन डेज हुए हैं उसमें मैं, इकबाल भाई, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं शामिल रहा हूँ। और मुझे ये कहना भी चाहिए कि जो हमारे साथियों ने जो कोकण डे जो शुरू किया था, कहीं ना कहीं उसके पीछे आपकी तहरीक थी। इस बात को तस्लीम करने में मुझे कोई वो नहीं है। और मेमन कम्युनिटी के लोग चैरिटी में मैं समझता हूँ बहुत आगे हैं। और भी कम्युनिटीज़ बहुत चैरिटी करती हैं, हमारी कम्युनिटी भी चैरिटी करने में बहुत आगे है। और ये दो कम्युनिटी ऐसी है बम्बई में, महाराष्ट्र में, कि इनकी वजह से बहुत सारे लोगों को का फलाह होता है। मसाजिद की तामीर है, मदारिस की तामीर है, स्कूल वगैरह की तामीर है। इस कम्युनिटी के लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मैं जितने भी लोग, जितने भी यहाँ चैनल के लोग आए हैं, उनके तमाम व्यूअर्स को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ, ईद की मुबारकबाद देता हूँ और मेमन डे की मुबारकबाद भी देता हूँ। थैंक यू। मैं इमरान अलवी, प्रेसिडेंट अलवी फाउंडेशन और हमारी वर्ल्ड कोकण टीम का जो वाइस प्रेसिडेंट, मेरे साथ कमाल मांडलेकर साहब है जो भी वर्ल्ड कोकण टीम के प्रेसिडेंट है, और सलीम अलवारे साहब है। सब में पहले तो इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, उनकी पूरी मैनेजिंग कमेटी और जितने भी जो वर्ल्ड में मेमन्स जहाँ जहाँ भी सेटल्ड है, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन वर्ल्ड मेमन डे। देखिए, ये वर्ल्ड मेमन डे का जो कॉन्सेप्ट है कि लोगों को जोड़ना और उस जोड़ के साथ में बहुत सारे चैरिटी के काम और जो काम ह्यूमैनिटी को हेल्प करती है, ये बहुत अच्छा मकसद है और बहुत अच्छा एम है कि अल्टीमेटली इसमें जो बेनिफिट हो रहा है वो जो है वो कॉमन आदमी हो रहा है। एक जो शख्स जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस शख्स को मेडिकल हो, राशन्स हो, या एजुकेशन हो, या उसके लिए लोन हो, या किसी तरीके से उसका हाउस बिल्डिंग वगैरह हो, तो इन तमाम सेक्टर्स के अंदर मेमन कम्युनिटी और स्पेशली ऑल इंडिया मेमन जमात का बहुत बड़ा योगदान है। और सभी लोगों की तरफ से जिन लोगों को ये हेल्प मिली है, मैं इकबाल मेमन ऑफिसर साहब का और उनकी पूरी टीम का थैंक्स करता हूँ कि जो जो लोगों को गांव-गांव इंटीरियर में जा जा के इन्होंने जो हेल्प की है, उसके लिए पूरी मेमन टीम को, स्पेशली ऑल इंडिया मेमन जमात का तहे दिल से शुक्रिया अदा। थैंक यू। डॉक्टर मोहम्मद इरफान कस्मानी, मलावी से हूँ, इमरजेंसी मेडिसिन वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। और मलावी के अंदर ये जो वर्ल्ड मेमन डे मनाया जा रहा है, ये इकबाल मेमन सर साहब ने इंट्रोड्यूस किया है और ये बहुत ही बखूबी से हमारे लोग इसे मना रहे हैं। और मैं वर्ल्ड मेमन के डे के दिन मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये जज्बा हमारे दिलों में पैदा किया है। मलावी के अंदर भी हम लोग इस दिन लोगों में, गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इफ्तार पैक्स देते हैं और हॉस्पिटल्स के अंदर चैरिटेबल काम करते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह जो प्रोवाइड करते हैं हमारी कम्युनिटी की तरफ से। और ये ज़्यादा से ज़्यादा ये इस वक्त अभी हो रहा है और ज़्यादा से एक बार मेमन सर के आने के बाद में इसे बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस किया जा रहा है। अच्छा, मैं तो पहले मुबारकबादियाँ दूँगा इकबाल मेमन ऑफिसर साहब को और उनकी पूरी टीम को, जिनके जिद्दोजहद के बाद ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है, जिस नज़ारे के अंदर में हमें ये देखने को मिल रहा है कि वो दूर दराज से सफ़र करके मुंबई में आकर के शॉपिंग करने वाले लोग, बच्चे बच्चियां जो अपने कारोबार को छोड़कर, अपने काम धंधे को छोड़कर यहाँ आते हैं अपने शॉपिंग के लिए, उनके लिए भी इंतज़ाम, गरीबों के लिए भी इंतज़ाम, ये काबिल सताइश हैं, काबिल मुबारकबाद हैं। और वर्ल्ड मेमन डे के मौके पर मैं इन तमाम लोगों को मुबारकबादियाँ देता हूँ जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बसते हैं, सबके लिए मुबारकबादियाँ हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी देन को आपके अजर में बदल दे और इस रमज़ान की बरकत से सबको मालामाल फरमाए। वर्ल्ड मेमन डे सबको मुबारक हो। सबसे पहले मैं सभी व्यूअर्स को वर्ल्ड मेमन डे की शुभकामनाएं देता हूँ। वर्ल्ड मेमन डे अल्हम्दुलिल्लाह
इतना जोरों शोरों से बनाया जाता है और ये एक दिन है जिसके अंदर पूरी मेमन बिरादरी, जो पूरी मेमन कम्युनिटी पूरे वर्ल्ड की है, वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाती है और खैर का काम करती है। हम ये डे बनाते हैं, इसके अंदर हम खैर का काम करते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, और पैसे तो पूरा साल का 12 महीना अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चैरिटी का वर्क चालू रहता है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन से और बहुत सी मेमन ऑर्गेनाइजेशन करती है। बट वर्ल्ड मेमन डे में सब एक प्लेटफॉर्म पर एक ही दिन बहुत सा चैरिटी का वर्क होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही है, और मेमन डे में हम यही चाहते हैं कि खैर का काम हो, मैक्सिमम लोगों को हेल्प पहुँचे, मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो और अच्छा काम हो। और ये सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी या रिलीजन के लिए नहीं है, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। हम कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन कुछ नहीं देखते, ह्यूमैनिटी, हमारा मानना है ह्यूमैनिटी के लिए हमारे को काम करना है, तो हम हर किसी के लिए काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन बढ़ चढ़ के हमेशा से हिस्सा लेता है, और इनके जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है मिस्टर इकबाल मेमन ऑफिसर, दिन रात 1-1.5-2 महीने से मेहनत करते हैं कि ये प्रोग्राम हो, ये काम चैरिटी का हो और सक्सेसफुल हो अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे को यूथ को भी वही गाइड करते हैं। आज यूथ विंग के 30-35 प्रोग्राम पूरे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं, ये सब भी इनका ही गाइडेंस है। हम भी अभी जस्ट ऑर्फनेज में एक इनिशिएटिव ईद की क्लोथिंग पूरी करके ही यहाँ पर आए। तो बस इस तरीके से खैर के काम, यही मकसद है ये दिन का, कि खैर के काम हो। हमारे जितने भी एल्डर्स है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ, चाहे वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हो अजीज भाई मच्छीवाला, स्पोर्ट्स विंग के चेयरमैन आसिफ भाई हो, CEO अल्ताफ भाई हो, हमारे ऑल एल्डर्स है यहाँ पर अनवर भाई, सलीम भाई, सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं और सब एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं यहाँ पर। हमारी यूनिटी बहुत है और यूनिटी की वजह से आज हम इतना सक्सेसफुल हुए और हमारे सब इनिशिएटिव सक्सेसफुल होते हैं। तो बस खैर के काम करते रहो, सभी को मेमन डे बहुत बहुत मुबारक, अच्छा काम करो, मेमन कम्युनिटी को प्राउड फील कराओ, और बस सब यूथ को भी यही मैसेज है कि मेमन कम्युनिटी, हम ब्लेस्ड फॉर्चुनेट है कि हम मेमन है, तो बस हमेशा से मेमन को प्राइड फील करो, हमारे एल्डर्स को प्राउड फील करो, अच्छे काम करो। थैंक यू। हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि आज ये रमज़ान के मौके पर मेमन डे आया है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 500 आदमी के ज़्यादा इंतज़ाम किया गया है इफ्तारी का, और 300 दिन किया जाता है। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हम मीनारा मस्जिद के में लगभग 2000 से 2200 आदमी रोज़ इफ्तारी करता है आदमी लोग का, और लेडीज़ लोग के लिए भी, और गली के अंदर इंतज़ाम किया उधर भी, कि ये पूरी एरिया की जो लेडीज़ लोग आते हैं अपने शॉपिंग करने के लिए, पैसे वाली हो कि गरीब हो, सबको हम लोग पूरा इंतज़ाम इफ्तारी का किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे इकबाल भाई ऑफिसर के गाइडेंस में बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, और हम उनके साथ में काम करते हैं, कम से कम मैं समझता हूँ मैं इकबाल भाई के साथ में 25-30 साल से काम करता हूँ, और बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत तरक्की कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सबको, आप लोगों को सबको मेमन डे मुबारक ऑल ओवर द वर्ल्ड। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।